हमारा अगला विषय है वेगों का संयोजन या वेगों का रूपांतरण। अगर हम किसी दो वस्तुओं को हम देख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा भी चल रही हैं, हमारी अपेक्षा भी चल रही हैं, तो अगर हमें दोनों वस्तुओं का वेग पता है अपनी अपेक्षा, तो फिर एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु का वेग कितना होगा, ये जो हम निकालते हैं इसको हम वेगों का संयोजन कहते हैं या वेगों का रूपांतरण कहते हैं। तो वो हमारा आज के लेक्चर का विषय होगा। या रूपांतरण ये हम कहेंगे एडिशन ऑफ वेलोसिटी, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। तो मुख्य आइडिया ये है कि हमारे पास एक फ्रेम है, एस फ्रेम, और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और इस एस फ्रेम से देखने पर इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है इधर, और एस प्राइम फ्रेम भी है और इस एस प्राइम फ्रेम से भी हम इसको देख रहे हैं, और एस प्राइम फ्रेम से अगर इसको देखेंगे तो कुछ और वेलोसिटी मिलेगी। तो अगर एस फ्रेम से अपने को इसकी वेलोसिटी पता है, एस फ्रेम से एस प्राइम की वेलोसिटी अपने को पता है, तो एस प्राइम से देखने पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये हम निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन या रूपांतरण। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है, वेलोसिटी वेग निकालने के लिए हम वेग बराबर विस्थापन और बटा समय, एक बहुत छोटा समय अंतराल अगर हम लें और उस छोटे से समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ उसको देखें, उसमें भाग लगा दें, तो वो उस समय का वेग होता है। तो इसी का उपयोग करके हम एस फ्रेम में वेग लिखेंगे और एस प्राइम फ्रेम में वेग कैसा होगा वो हम लोग लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से निकालेंगे। तो एस फ्रेम में इसका वेग पता करने के लिए, और इसका हम स्थान लिख लें, टी वन समय पे इसका स्थान लिख लें, इसका स्थान एक्स वन, वाई वन, जेड वन ये है, और किस समय पे है वो भी लिख लें, तो T1 समय पर है, और थोड़ा सा समय अंतराल गुजरने दें और T2 समय पर देखें कि ये कहाँ पहुँच गया, तो ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा कि जिस तरफ वेग होगा उस तरफ खिसक जाएगा, और हम यहाँ चित्र में बड़ा करके बनाएंगे ताकि हम अलग अलग अच्छी तरह से देख सकें। तो ये यहाँ से चल करके मान लें यहाँ पहुँच गया उस समय अंतराल में, और इस समय इसका जो स्थान है x2, y2, z2 हो गया है, और समय t2 के ऊपर, t2 t1 से थोड़ा सा अधिक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो वेलोसिटी किसकी, इस पार्टिकल की, p इसका नाम दे सकते हैं, वेलोसिटी या वेग कण p का वेग अगर हम लिखें इस समय पे, तो वो हम लिखेंगे उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे ux, पहले x कंपोनेंट लिखें, तो x कोऑर्डिनेट में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ x1 था t1 समय पे, t2 समय पे ये x1 से बदल करके x2 हो गया है, तो x कोऑर्डिनेट में कितना परिवर्तन हुआ या एक्स एक्सिस की दिशा में कितना विस्थापन हुआ, वो विस्थापन होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और कितनी देर में हुआ तो वो होगा टी टू माइनस टी वन।
इसी प्रकार से अगर इसी पार्टिकल को एस प्राइम फ्रेम में देखा जाए, एस प्राइम फ्रेम से इसको देखा जाए, तो ये यहाँ पर से गुजरा है वो एक इवेंट है, और यहाँ पर से ये गुजरा है टी टू समय पे, ये दूसरा इवेंट है। इन इवेंट्स को अगर हम एस प्राइम में देखें तो एस प्राइम फ्रेम में भी यही सारा मामला है। एस प्राइम फ्रेम में ये जो इवेंट है कि टी वन समय पे एक्स वन वाई वन जेड पर वन पर ये आया, इसको अगर हम इस इवेंट को एस प्राइम में देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ एक्स वन प्राइम वाई वन प्राइम जेड वन प्राइम ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और टाइम वो टी वन प्राइम है। और दूसरा इवेंट इसको देखें, ये थोड़े समय के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है, इस स्थान से इस समय गुजर रहा है, ये जो इवेंट है जो T2 समय पर हुआ है, X2, Y2, Z2 इस स्थान पर हुआ है, इस इवेंट का अगर हम इस प्राइम में कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो वो भी कुछ मिलेगा, X2 प्राइम Y2 प्राइम Z2 प्राइम मिलेगा, और इस इवेंट का कोई समय भी होगा T2 प्राइम समय होगा। तो इस फ्रेम में इस कण का अब वेग लिखना है, और फिर से हम तीन कंपोनेंट्स लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो वेग का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, एक ही रूल है, यू एक्स प्राइम बराबर एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम बटा टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। टी वन प्राइम समय पे ये कण, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, और T2 प्राइम समय पे बदल करके इतना हो गया है, तो x कोऑर्डिनेट में जो परिवर्तन है वो x दिशा में विस्थापन है, और जितना समय लगा है उससे आपने भाग लगा दिया है, तो आपको वेग का x कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह y कंपोनेंट लिखेंगे तो y डायरेक्शन में जितना विस्थापन हुआ है, यानी y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम बटा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, और z कंपोनेंट लिखेंगे तो यू जेड प्राइम बराबर जेड टू प्राइम माइनस जेड वन प्राइम और बटा टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। तो अगर इन कंपोनेंट्स को एस फ्रेम से जो हमने देखा था कंपोनेंट्स उनके साथ हमें रिलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वाई वाई और जेड कंपोनेंट भी लिख सकते हैं एस फ्रेम से, वाई टू माइनस वाई वन बटा टी टू माइनस टी वन, और यू जेड ये जेड टू माइनस जेड वन और बटा टी टू माइनस टी वन। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा आपको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लिख लें अलग से यहाँ, तो x प्राइम बराबर x माइनस वी टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं x माइनस वी टी गुना गामा, जहाँ गामा लिख रहे हैं किसके लिए, वन बाई स्क्वायर रूट वी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के लिए। तो ये x के लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से है, y प्राइम बराबर y आपको याद है, z प्राइम बराबर z आपको पता है, और t प्राइम बराबर t माइनस x v बाई सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अर्थात t माइनस x v बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। ये अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस का अगर हम इस्तेमाल करें, और इधर इस यू एक्स प्राइम यू आई प्राइम यू जेड प्राइम को इनमें लिखने की कोशिश करें, संबंध स्थापित करें वेगों में, तो क्या बनता है। तो पहले एक्स को देखें, यू एक्स प्राइम को देखें, पहले यू एक्स प्राइम बराबर एक्स टू प्राइम और माइनस एक्स वन प्राइम, एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम को देखें,
एक्स प्राइम ये इतना है एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, और गामा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट वन बाई वगैरह वो फिक्स्ड है। तो आप लिखिए इसको एक्स टू प्राइम, एक्स टू प्राइम की जगह लिखेंगे एक्स टू माइनस वी टी टू इंटू गामा ऐसा, और माइनस एक्स वन प्राइम, और एक्स वन प्राइम के लिए फिर से इसी का इस्तेमाल करेंगे तो माइनस एक्स वन माइनस वी टी वन इंटू गामा ऐसा। नीचे आइए, हर ये अंश हो गया, ये हर टी टू प्राइम, तो टी टू प्राइम के लिए इसका इस्तेमाल होगा टी प्राइम बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। तो टी टू प्राइम लिखना है तो यहाँ टी टू लिखेंगे, यहाँ एक्स टू लिखेंगे, तो टी टू माइनस वी एक्स टू बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, और माइनस टी वन प्राइम अर्थात माइनस टी वन माइनस वी एक्स वन बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। तो आप देखिए पहले तो गामा काट लीजिए, सारे गामा कट जाएंगे, गामा यहां से कॉमन लीजिए, गामा यहां से कॉमन लीजिए, काट डालिए, क्या बचा, ये बचा एक्स टू माइनस एक्स वन और माइनस v कॉमन लेकर t2 टू माइनस टी वन, गामा काटने के बाद x2 टू माइनस एक्स वन यहाँ, और उसके बाद यहाँ से माइनस v कॉमन ले लीजिए तो t2 टू यहाँ से और माइनस t1 वन वहाँ से, ये इतना। और नीचे क्या हो गया, नीचे भी गामा खत्म, अब t2 टू माइनस टी वन है तो t2 टू माइनस टी वन यहाँ, ये t2 लिख लिया माइनस t1 लिख लिया, और यहाँ देखिए माइनस वी बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अब बच गया x2 टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। और अब ऊपर नीचे दोनों को t2 टू माइनस टी वन से भाग लगा दीजिए, अंश में भी और हर में भी, तो क्या बनता है, ये बटा का चिन्ह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऊपर है x2 टू माइनस एक्स वन और माइनस वी टी टू माइनस टी वन, हम t2 टू माइनस टी वन से भाग लगा रहे हैं, तो x2 टू माइनस एक्स वन बटा t2 टू माइनस टी वन, और यहाँ माइनस और ये v और t2 टू माइनस टी वन बटा t2 टू माइनस टी वन वन। नीचे भी वही काम करना है, जितने से ऊपर भाग लगाया है उतने से नीचे भी भाग लगाइए, t2 माइनस t1 से भाग लगाएंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर, और यहाँ हो गया x2 माइनस x1 और बटा t2 माइनस t1, 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। और इसको देखिए ये क्या है, ये क्या है x2 टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन, ये क्या चीज़ है, ये है यू एक्स, एक्स टू एक्स वन टी टू टी वन, एस फ्रेम में x दिशा में जो वेग का घटक है वो है ये यू एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन बटा t2 टू माइनस टी वन, तो ये ux है, तो अर्थात ये हो गया ux, तो ux और माइनस v बटा वन माइनस, और फिर से वही चीज़ या जो यहाँ है वही यहाँ है, तो v इंटू यू एक्स बाई सी स्क्वायर, v इंटू यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का, यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी बटा वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम कहीं एक जगह लिख लेते हैं, इसको हम इस, ये तो अब याद ही हो गया, पहले भी याद ही था, तो इसको इधर लिख लेते यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी बटा वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर।
अब हम यू वाई प्राइम के ऊपर काम करते हैं। तो यू वाई प्राइम यहां लिखा हुआ है, तो यू वाई प्राइम बराबर वाई टू प्राइम माइनस वाई वन प्राइम और बटा टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। वाई टू प्राइम बराबर वाई टू माइनस वाई वन प्राइम बराबर वाई वन बटा टी टू प्राइम। टी टू प्राइम यानी टी टू माइनस वी बाई सी स्क्वायर यहाँ और एक्स टू यहाँ और इस पूरे का गामा, ये टी टू प्राइम। टी टू माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स टू और इस पूरे का गुना गामा माइनस टी वन प्राइम। टी वन प्राइम अर्थात टी वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर और एक्स वन और इस पूरे का गुना गामा। ऐसा तो ये बराबर बना वाई टू प्राइम, वाई टू माइनस वाई वन बटा गामा को आप बिल्कुल बाहर कॉमन ले लीजिए यहाँ नीचे से और उसके बाद टी टू माइनस टी वन। तो टी टू और माइनस टी वन और माइनस वी बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए इसमें से, इसमें से माइनस वी बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन। और अब अंश में और हर में दोनों में टी टू माइनस टी वन से भाग लगा दीजिए तो क्या बना, ऊपर बना वाई टू माइनस वाई वन, ये हमारा बड़ा वाला बट्टा है और ऊपर में हम भाग लगा रहे हैं टी टू माइनस टी वन से और नीचे भी भाग लगाइए गामा। टी टू माइनस टी वन से भाग लगाएंगे तो यहाँ वन और माइनस वी बाई सी स्क्वायर और यहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन और बटा टी टू माइनस टी वन। यहाँ हमने भाग लगा करके ये लिखा और यहाँ भाग लगाया तो इसका वन हो गया और इसमें भाग लगा कर हमने यहाँ लिखा और ये क्या बन गया, y2 टू माइनस वाई वन बटा टी टू माइनस टी वन। यानी s फ्रेम से, ये सभी s फ्रेम की चीज़ें हैं, s फ्रेम से इस कण के वेग का y दिशा में घटक अर्थात uy, ये है uy। और इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट में है 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर और उसके बाद देखिए x2 टू माइनस एक्स वन बटा टी टू माइनस टी वन। ये है s फ्रेम से देखने पर कण के वेग का x दिशा में घटक और इसलिए इसको आप ux लिखेंगे तो ये हो गया ux। अब बच गया है ये गामा, ये गामा का मतलब है, गामा का मतलब है वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वन बाई गामा है तो मतलब स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हमें s फ्रेम में y डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का घटक पता है और हम s प्राइम फ्रेम में वेग का y डायरेक्शन में घटक देखना चाहते हैं तो उस इक्वेशन में ui प्राइम और ui को जब हम रिलेट करते हैं उस इक्वेशन में ux भी आता है। ये एक याद रखने की चीज़ है, क्यों हम जब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो कोई झंझट नहीं था y प्राइम बराबर y, लेकिन वेलोसिटी का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो याद रखिएगा ui प्राइम बराबर ui नहीं या उसका इनटू ये ऐसा कुछ नहीं, ये ux भी उसके अंदर आता है। तो उसको भी हम इकट्ठा कर ले यहाँ पे,
यू आई प्राइम बराबर यू वाई इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर वही है जो यहां डिनोमिनेटर है, वही यहां भी डिनोमिनेटर है, और y और z तो बिल्कुल एक से हैं, तो आप तुरंत सीधा लिख सकते हैं। अगर uz प्राइम लिखना है अपने को तो जैसा y में गणित किया गया है ठीक वैसा ही गणित वहां भी होगा, और uy प्राइम uz प्राइम बराबर uz इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और फिर बटा वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं वेगों के संयोजन का नियम या वेगों के रूपांतरण का नियम। के समीकरण अगर आप इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ तुलना करें तो छोटी वेलोसिटीज में ये ट्रांसफॉर्मेशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के ही बराबर हो जाने चाहिए। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड और टी प्राइम बराबर टी। और इससे करके अगर हम इसी प्रकार से वेगों का रूपांतरण करें तो हम पाएंगे यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी, यू वाई प्राइम बराबर यू वाई और यू जेड प्राइम बराबर यू जेड। जब हम आम जिंदगी में जहाँ छोटी वेलोसिटीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें अगर हम एक फ्रेम से जाएं और दूसरे फ्रेम में चले जाएं, जैसे हम नॉर्थ काल्पनिक वाली नहीं असली वाली ज़मीन पर चलते हैं, प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सड़क पर होते हैं और एक ट्रेन में होते हैं, तो हम फ्रेम बदलते हैं, फिर हम किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं या किसी चीज़ को चलता हुआ देखते हैं, हवाई जहाज़ जाता हुआ दिखता है, तो ज़मीन से उसकी वेलोसिटी और ट्रेन से उसकी वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए हमें ये इक्वेशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसको हम घटा लेते हैं एक्स डायरेक्शन में से, वाई और जेड में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारे आम जिंदगी के जो छोटी वेलोसिटीज़ की घटनाएँ हैं उनके लिए इक्वेशंस है। आप इनसे तुलना करें अगर ये जो फ्रेम की वेलोसिटी है ये छोटी है, छोटी किसके किसकी अपेक्षा, प्रकाश के निर्वात में वेग की अपेक्षा, अगर ये v छोटा है तो आप यहाँ देखें ये v है और नीचे एक c है v बाई सी और फिर यू एक्स बाई सी, तो v बाई सी यू एक्स बाई सी ये बहुत छोटी संख्याएं अगर हो जाएं, लो वेलोसिटीज़ में हम केवल काम करें तो ये पूरी चीज़ इस एक के सामने में नगण्य हो जाएगी और यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी ऐसा ही हम लिख पाएंगे। इसी तरह यू आई प्राइम को देखिए, अगर फ्रेम की वेलोसिटी प्रकाश के निर्वात में वेग से बहुत कम है, वी बाई सी एक से बहुत कम है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर उससे भी कम होगा, तो इसको भी आप एक के सामने नगण्य कर सकते हैं और तब ये एक बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन इज़ वन, तो ऊपर में सिर्फ ui रह जाएगा और नीचे में इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ किया था, नीचे में ये v अगर बहुत छोटा है, ux अगर बहुत छोटा है c से, तो ये चीज़ भी एक के सामने बहुत छोटी हो जाएगी और ये भी वन हो जाएगा और ui प्राइम बराबर ui ऐसा निकल करके आएगा और वही काम uz में होगा तो uz प्राइम बराबर uz ऐसा निकल करके आएगा। तो यानी हमारी दुनिया लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्क्राइब की जा सकती है, की जानी चाहिए,
लेकिन अगर हम लो वेलोसिटीज में ही केवल रह रहे, अगर हमारी चीज़ों जो भी कुछ चलता हुआ दिखता है, फ्रेम हम बदलते हैं या कुछ चीज़ें चलती हैं, वो वेलोसिटीज़ अगर प्रकाश की वेलोसिटी से काफ़ी कम हो, तो यही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रूल यही है। लेकिन इन रूल का एक सरल रूप हमें ये मिल जाता है और हमारे काम इससे अच्छी तरह से चल जाते हैं। तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हमेशा का संबंध रहेगा। जो भी हम परिवर्तन देख रहे हैं अपने इक्वेशंस में, वो सब लार्ज वेलोसिटीज़ के लिए ज़रूरी होंगे, लो वेलोसिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होंगे।